हमारे शिकारी साहब ने अपना सामान सारा रख दिया है, डोरे आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे हैं। आज यहाँ पे पानी काफी सारा नीचे उतर चुका है, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है और हमारे शिकारी साहब दो डोरे लगा चुके हैं और तीसरी डोर लगा रहे हैं अब। तो हमारे शिकारी साहब को अभी हुई थी एक चाल और ढूंगरा निकला था बाहर, बाहर जैसे ही आया उसी वक्त टूट गया और जंप लगा के पानी के अंदर। हमारे शिकारी साहब बस बैठ के निकाल रहे थे उसे और इस वजह से बस उसकी जिंदगी लिखी हुई थी और वो टूट गया। अब दोबारा चाल हो रही है, हमारे शिकारी साहब को लग गया है। अब ये कहना खड़े होके निकालेंगे है या नहीं। वाह भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह भाई वाह, इसी तरह का अभी एक ढूंगरा लगा था हमारे शिकारी साहब को, रो टूट गया था और माशाल्लाह से ये दोबारा लग गया जी ढूंगरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलेजी के ऊपर लगा, ये पिछला भी कलेजी पे लगा था ना, पिछला भी कलेजी के ऊपर लगा था और ये भी कलेजी के ऊपर लगा। छोटा हुक लगाया है और इसी के ऊपर ये लगे। पिछली दफा कांटा मुझे जोर से लगा था, इस वजह से हमारे शिकारी साहब डर गए और अब ये शूज रख के ऊपर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ जी पुंगे पकड़ने के लिए और ये देखे मैं अपना सामान भी साथ लेके जा रहा हूँ, दो कटोरियाँ और बाकी एक घाघरी। और यहाँ पे आज पानी काफी सारा नीचे उतर चुका है, जहाँ पे मैं इस टाइम चल रहा हूँ यहाँ पे पिछले लास्ट वीक में यहाँ पे सारा पानी था। और अब मैं सामने जा रहा हूँ जी पुंगे पकड़ने के लिए और आज हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, बस इस हवा में पुंगे हमें मिल जाए, बाकी शिकार नसीब का है। तो दोस्तों मैंने दो कटोरी अपनी लगा ली है, एक इस जगह और एक इस जगह, यहाँ पे लगाने लगा हूँ। यहाँ पे पुंगे बेहद कसरत के तादाद से हमें नजर आ रहे थे और यहाँ पे इंशाल्लाह पुंगे मिल जाएंगे, उम्मीद तो है। अगर यहाँ पे पुंगे मिल जाते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे जी सिंघाड़े और ढूंढने का शिकार। तो देखते हैं जी, अब आपको दिखाते हैं कि थोड़ी देर देखने के बाद कि कितने पुंगे आते हैं। तो ये है जी हमारा रिंद अड्डे का पॉइंट और ये है जी डेरा गाजी खान रोड पे जो गाजीगढ़ दरिया आता है उससे पहले तकरीबन 1-2 किलोमीटर पहले ये लेफ्ट साइड पे एक रोड जा रहा है, बिल्कुल छोटा सा ये सामने। और इसी रोड पर तकरीबन 2 किलोमीटर बाद ही ये सिपर आता है और इसी सिपर के नीचे हम बैठते हैं शिकार के लिए। यहाँ पे पिछले लास्ट वीक में तो पानी तकरीबन इस सामने लग रहा था और आज पानी देखे तकरीबन काफ़ी सारा नीचे उतर चुका है और यहाँ पे बिल्कुल पानी क्लोज हो चुका है। यहाँ पे माहौल तो है शिकार का, एक ढूंगरा लग चुका है, एक ढूंगरा टूट भी गया है और सिंघाड़े का शिकार भी अब इंशाल्लाह खेलेंगे। तो दोस्तों पुंगे तो मुझे कुछ भी नहीं मिले क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और इस हवा की वजह से लहरें जो बनती हैं और पुंगा फिर कटोरी के अंदर नहीं आता। तो जब हवा रुकेगी तो तभी कोशिश करेंगे। सामने कुछ जाल वाले भी आए हुए हैं जो पतले पानी के ऊपर जाल मार रहे हैं। हमारे शिकारी साहब को लग गया जी ढूंगरा नंबर दो, ध्यान करना ये ना हो ये छूटना ही ना जाए। काफी देर के बाद ये चाल हुई कलेजी के ऊपर, जाल वाले यहाँ से जाल मार के गए वो बिल्कुल सीधा, उसी की वजह से चालें कम हो गई थी। हमारे शिकारी साहब अब शूज ऊपर रख के निकाला इन्होंने हुक, अभी से पकड़ेंगे। तो हमारे शिकारी साहब पहुंच गए जी सामने इस नुकी के ऊपर, यहाँ से यहाँ पे डोर डाल रहे थे तो यहाँ पे सारे पत्थरों के अंदर फंस रही थी डोर, तो इस वजह से आप चले गए वहाँ पे। और तो हमारे शिकारी साहब हमारे साथ जा रहे हैं जी कटोरी वगैरह उठा के और ये मैं उठा के जा रहा हूँ जाली और हम वहाँ पे पकड़ रहे हैं जी पुंगे पकड़ने जा रहे हैं। हमारे शिकारी साहब को आज आप काफ़ी अरसे बाद ही पानी के अंदर लेके जा रहे हैं पुंगे पकड़ने के लिए। हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से कटोरी में तो पुंगा नहीं आता, इस वजह से अब हम कोशिश करेंगे जाली से पकड़ने की। हमारे शिकारी साहब पानी भरने के लिए जा रहे हैं क्योंकि एक ही बारी में माशाल्लाह से काफ़ी सारे पुंगे आ गए हैं इस जाली के अंदर पकड़े हैं। और हमारे शिकारी साहब ये देखिए पानी भर के आ रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पुंगे काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, पानी सारा पतला है और दिखाते हैं खान साहब ये देखें, ये तीन ये रहे और इस जगह पे काफ़ी सारे हैं ये देखें। आने दो पुंगा माशाल्लाह अच्छा है सारा। और ये हमें लग गया जी कपड़े के ऊपर एक ही बारी में।
तो माशाल्लाह से 5 मिनट भी नहीं लगे और तकरीबन 200 से ज्यादा पुंगा पकड़ लिया हमारे शिकारी ने। तो हमारे शिकारी साहब जा रहे हैं जी दरिया के पार, क्योंकि यहाँ पे अभी जाल वाले गुजर रहे थे, पानी इतना गहरा नहीं था। अगर यहाँ से गुजर जाते हैं तो हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे वहाँ पे जहाँ पे हम बैठे थे, उसके सामने पानी अच्छा खासा गहरा है और वहाँ पे पत्थर भी नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं तो पत्थर डोर फंस जाती है। तो अब ये देखें कितना छोटा पानी है और हमारे शिकारी साहब यहाँ से जगह देखने जा रहे हैं बिल्कुल सामने। हम जा रहे हैं जी दरिया क्रॉस करके और सामान अपना पूरा पैक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जी दरिया के उस पार। हमारे शिकारी साहब भी जा रहे हैं जी सामान उठा के आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करके। इस धागरी के अंदर है जी पुंगे और उसमें है जी पानी और हमें देखो कुली बने हुए हैं। जा रहे हैं जी दरिया क्रॉस करके, पानी देखे कितना आ गया हमारे शिकारी साहब के, बस हम भी बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं, बस बिल्कुल ही क्रॉस करने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह किया करो, शिकार पे ऐसे ना भागा करो। आखिरकार हमने क्रॉस कर लिया जी दरिया और हम जा रहे हैं जी अब शिकार वाली जगह पे। ये देखें कितनी दूर जगह थी जो हम क्रॉस करके आए हैं, बस अब जा रहे हैं जी गहरे पानी वाली जगह पे। तो ये देखें यहाँ भी बैठे हैं जी शिकारी और हम आखिरकार पहुँच गए अपनी जगह पे गहरी नाव। वाह भाई वाह, माशाल्लाह हमारे शिकारी साहब को लग गया जी बड़ा सारा ढोंगरा। नहीं उस दिन इससे भी बड़े थे, आंत पे लगे उस दिन भी, हमें सारा शिकार आंत पे लगा था, कलेजी के पचाले मिस हो जाती हैं। तो इस वजह से ये देखे माशाल्लाह कितना जबरदस्त डोंगरा है, छा गए हमारे शिकारी साहब को लग गया तीसरा डोंगरा और हमें अभी तक एक भी नहीं लगा। शुक्र मर गए तभी। तो ये देखे एक छोटा सा तरकंड लगे हमारे शिकारी साहब को और अभी से वापस डालेंगे पानी में। तो हमारी शुरुआत हुई है इतनी सी मछली के साथ, बिल्कुल छोटी सी। हमारे शिकारी साहब अब रेडी हो रहे हैं, हम आ रहे हैं जी इधर, ये बिल्कुल क्लोज जगह हो रही है, पूरा दरिया यहीं से गुजर रहा है। बस हमारे शिकारी साहब तैयारी कर रहे हैं, 3-4 डोरे लगा के बैठे हैं, पुंगे की भी आंते कलेजे की भी। माशाल्लाह से हमारे शिकारी साहब को लग गई है जी मछली, देखते हैं क्या रहता। ओ वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह, हमारे शिकारी साहब तो अच्छा गए हैं। तो चलो शिकारी साहब निकालो इसको अपनी पसंदीदा। हमारे शिकारी साहब खुश हो गए थे कि आज कोई ना कोई बड़ी मछली लगी है, लेकिन ये नहीं पता। वाह जी है जी, क्या बात है, कुंडी भी निकल गई है, कुंडी निकल गया ना। और इसका मतलब ये वेट आप ऊपर कर लो और इसको आप आजाद कर दे, मैं तो कहता हूँ इसको जिबा कर लेते हैं, छुरी है पड़ी। वाह अक्षय कुमार की तरह। ये देखें ये कछुआ जा रहा है पानी के अंदर, ये देखें चल मेरी तरफ आ रहा है भाग के। बड़ा गुस्सा वाला गया। तो हमारे शिकारी साहब आ रहे हैं जी वापस, क्योंकि अब यहाँ पे चाले काफ़ी सारे कम हो चुकी हैं, हमें तो एक यहाँ पे दो बड़े बड़े कछुए लग चुके हैं और तकरीबन 3-4 पुंगड़े लगे हैं। वापसी का इरादा कर रहे हैं क्योंकि ताकि जो टाइम पे पहुँचेंगे तो शाम के टाइम जाएंगे जी हम इंशाल्लाह दरिया चनाब पे, क्योंकि वहाँ पे पानी कम हो रहा है। यहाँ पे तो हर जगह बस जालियों वाले पट्टियों वाले रिहायशी सारे लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से मछली डरी हुई है, डिस्टर्ब है सारी। तो वो देखे हमारे शिकारी साहब बड़े दूर से आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जी अब पानी के अंदर। तो जा रहे हैं जी वापसी की तरफ, सामान उठा के और सारा पानी पानी और पानी गहरा होता जा रहा है। सामान उठा के ऐसे जा रहे हैं जैसे हम पुलियों
शिकार खेलते हुए तो पुल ही बनना पड़ता है। देख सकते हैं कितना पानी आ चुका है अब तक, अल्लाह खैर करे। तो हम क्रॉस करके आ गए हैं जी दरिया को, और बस अब हमारे शिकार साहब थोड़ी देर देखेंगे जी पत्थरों के पास पुंगे की डोर लगा के, अगर वहाँ पे चाल निकलती है तो ठीक, नहीं तो वापस जाएंगे घर और शाम को जाएंगे जी दरिया पे इंशाल्लाह। हमारे शिकारी साहब नहा रहे हैं और हमने कर लिया पूरा सामान पैक, बस अब हम जा रहे हैं जी वापस घर। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।